ये देखिए किस तरीके से बिल्कुल कह सकते हैं साफ सुथरी व्यवस्था की गई है। हम जो देख पा रहे हैं लोगों को पैक किया हुआ वो खाना मिल रहा है और लोग पैक किया हुआ खाना लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं। यह अपने आप में शायद ये पहली बार इस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है और पटना के मिलर स्कूल में ये पूरी कवायद चल रही है और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं और फिलहाल यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। ये पूरी जो कवायद हम आपको दिखाना चाह रहे हैं पटना के मिलर स्कूल की कवायद है और पटना के मिलर स्कूल में ये देखिए किस तरीके से खाना मिल रहा है। शायद ये पहली बार इस तरीके से पैकेट बना करके खाना दिया जा रहा है लोगों को, उन लोगों को दिया जा रहा है निश्चित तौर पर जो लोग आम कह सकते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं और उन्हें यह खाना पूरी तरह से दिया जा रहा है और ये लोग यहाँ से लेकर के निकल रहे हैं। तो अपने आप में ये बड़ा महत्वपूर्ण है और कहने के अपने आप में ये व्यवस्था अपने आप में बहुत अच्छी व्यवस्था है और ये शायद पहली बार ये व्यवस्था मैं पटना में देख रहा हूँ कि पूरी तरह से पैकेट बना करके विशेष तौर पर देखिए पैकेट बना करके दिया गया है कि आप अपने घर पर जाके खाएँ, कोई दिक्कत नहीं है और आपके साथ पूरी तरह से जिला प्रशासन यहाँ तैयार है। तो कहा यही जा सकता है कि कहीं ना कहीं पटना जिला प्रशासन ने जो व्यवस्था आज से की है वो पैकेट बना करके लोगों को खाना देने की जो व्यवस्था की है वो पटना के मिलर स्कूल में शुरू कर दिया गया है। मरगो बालव पटना। ठीक है भूखे मत रहो। ठीक है भूखे मत रहो। सही बात है।